इंदौर के राव नगर पंचायत सब्जी मंडी और अस्पताल के सामने नगर निगम कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क के नियमों का हवाला देकर जमकर उत्पात मचाया। सब्जी व्यापारियों की सब्जियां सड़क और नालियों में फेंक दी। इस दौरान सोमवार देर शाम जमकर हंगामा हुआ। उक्त घटना सोमवार रात करीब 9:45 बजे की बताई जा रही है, जहां राव सब्जी मंडी हॉस्पिटल के बाहर नगर निगम कर्मचारियों ने उत्पात मचाते हुए नालियों में सब्जियां फेंक दी। जानकारी के मुताबिक दिन में करीब 4 बजे निगम ने राव नगर निगम पालिका को सब्जी मंडी व्यापारियों को अन्यत्र स्थान नर्मदा रोड पर जाने को लेकर आदेश दिया था। ठेला एवं पद व्यवसायी महासंघ राव के अध्यक्ष पार्वती वर्मा ने नगर निगम कर्मचारियों से आदेश की कॉपी मांगी, परंतु दादागिरी गाली बकते हुए मंडी नहीं लगने देने का फरमान सुनाकर कर्मचारी चले गए। पार्वती वर्मा ने इसकी जानकारी श्रम आंदोलन के संस्थापक राजेश बिडकर एवं साथियों को दी। मदद के लिए अन्य ठेला चालक पहुंच गए। परिस्थिति को भांपते हुए कर्मचारी गायब हो गए। इसका बदला कर्मचारियों ने रात को सब्जी एवं सामान फेंक कर लिया। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोज़ यहां व्यापार व्यवसाय हो रहा था। व्यापारी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं और करवाते हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न तरह से निगम कर्मी आमजन को आए दिन परेशान कर रहे हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।